आज की हमारी दूसरी पिच बड़ी स्पेशल, बड़ी इंटरेस्टिंग पिच है। ये स्टार्टअप हमने अपने ऑडिशंस में इनको चूज किया इस्लामाबाद से, और मैं पर्सनली, जो मेरे साथ मेरा पैनल था, पर्सनली हम बड़े इंस्पायर हुए जो वो करना चाह रहे हैं। दे ट्राइंग टू क्रिएट अ स्पेशल सर्विस फॉर पीपल हु आर डेफ। ये एक बड़ी एक सोशल सर्विस भी बन सकती है, इसके अंदर एक बिजनेस एंगल भी उन्होंने क्रिएट किया है। Hence we thought के इस शो पे उनको आना चाहिए और उनको फीचर होना चाहिए, ताकि आप सब उनकी इस सर्विस को देख सकें और उसको जहां पे जिसको जरूरत हो उसको इस्तेमाल भी कर सकें। मैं आपको उनकी छोटी सी कहानी दिखाऊंगा, इसके बाद स्टार्टअप को बुलाते हैं पिच करने के लिए। मेरा नाम बैमिक है, मैं DeafTawk का फाउंडर हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली शबर है और मैं DeafTawk का फाउंडर हूँ। DeafTawk जो है वो ऑनलाइन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन सर्विस प्लेटफॉर्म है। DeafTawk बेसिकली डेफ लोगों के लिए साइन लैंग्वेज सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें हम खासतौर पर फोकस हमारा ये कि हम ऑनलाइन मैकेनिज्म्स के थ्रू साइन लैंग्वेज सर्विसेज दें। ये कोई डेफ बंदा जो है अगर वो कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो हमारे ऐप से साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर को कनेक्ट करेगा, तो वो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर ट्रांसलेट करेगा बिटवीन अ हियरिंग पर्सन एंड अ डेफ पर्सन। डेफ लोगों के लिए वो ऐप डेवलप कर रहे हैं, उनके लिए साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि वो कम्युनिकेट करे और अपनी जिंदगी को और आगे अच्छा करे। आइडिया क्रोन में हमारे लिए बेशुमार अपॉर्चुनिटीज है। बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करके लोगों में अवेयरनेस ला सकते हैं, दोनों कम्युनिटी, जनरल कम्युनिटी के लिए भी और डेफ कम्युनिटी के लिए भी। आए जी, DeafTawk को बुलाते हैं और उनकी पिच सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वी आर अ DeafTawk टीम। मेरा नाम अली शबर है और मेरे साथ मेरे फाउंडर हैं। मेरा नाम बैमिक है। बेसिकली DeafTawk एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू हम डेफ कम्युनिटी को साइन लैंग्वेज सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर के अदाद शुमार के मुताबिक 6 मिलियन पाकिस्तान में डेफ कम्युनिटी रहती है, और उनका सबसे बड़ा मसला जो है वो कम्युनिकेशनल बैरियर है, क्योंकि साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल हो जाते हैं तो दे आर वेरी एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव है। पर मीटिंग एटलीस्ट देयर चार्ज 2,000 to 2,500 रुपीज, जिसकी वजह से डेफ कम्युनिटी बहुत पीछे रह गई है। हम इस बैरियर को खत्म करना चाह रहे हैं, और उसके लिए हमने जो एक आइडिया प्रेजेंट किया है और आइडिया लेकर आए मार्केट में, वो है DeafTawk, जिसके थ्रू हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसमें फेसबुक है, व्हाट्सएप है, स्काइप, जो भी ये सोशल मीडिया टूल्स हैं, इनके थ्रू जो है हम वीडियो कॉलिंग के थ्रू साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड करेंगे। जो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स हैं वो घर बैठ के, क्योंकि उनको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, फारिक टाइम में वो इजीली इनको इंटरप्रिटेट कर सकेंगे, और इसके लिए वो अपने लिए मनी भी अर्न कर सकते हैं, विच इज पर मिनट जो है वो 2 रुपये अर्न कर रहे होते हैं, जो कि अगर एक इंटरप्रेटर दिन के 4 घंटे काम करता है, साइन लैंग्वेज सर्विसेज प्रोवाइड करता है डेफ पर्सन को या कम्युनिटी को, तो अक्रॉस द मंथ अगर वो इसी रेशियो से काम करे तो 12,000 से लेके 15,000 तक पर मंथ वो अर्न कर रहा होता है, विच इज अ गुड पॉकेट मनी टिल नाउ, के वो आराम से बैठ के और इसके साथ साथ डेफ कम्युनिटी को इंश्योर कर रहा था कि वो माशरे का हिस्सा बन रहे हों, मेन स्ट्रीम हो रहे हों, कम्युनिकेशनल बैरियर जो है उनके बात मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ वो ख़त्म हो रहा हो, और उनकी आवाज़ जो है हर जगह पहुंचाई जा सकती हो। इसका हमें जो बेसिक आइडिया आया वो वामिक, क्योंकि ये खुद भी डेफ है और मैं ब्लाइंड हूँ, तो वामिक ने ये हमें आइडिया इनिशिएट किया। वामिक आप बताए। मैं ना पा रहा था क्लास में, तो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था कम्युनिकेशन, क्योंकि मुझे आवाज़ नहीं आती है और ना मैं बात कर सकता टीचर के साथ, क्लास फेलो के साथ। तो की वजह से वो प्रिंसिपल और टीचर ने कहा था कि आप दोबारा क्लास रिपीट करोगे, तो मम्मी को ये आइडिया अच्छा नहीं लगा था, तो उन्होंने कहा था कि अब हम वामिक को न्यूयॉर्क लेकर जाएंगे। और जब मैं वहाँ गया था ना, फ्रॉम द डे वन मुझे मेरे पहचान इंटरप्रेटर 24/7 होता था, बेटे मैं हॉस्पिटल खो, यूनिवर्सिटी खोल या कहीं भी जाऊँ, जब मैं घर से किसी को कॉल करूँ मेरे पहचान इंटरप्रेटर होता है। इसकी वजह से मेरा कम्युनिकेशन आसान हो गया, और जब मेरा कम्युनिकेशन आसान हो गया मेरी एजुकेशन भी आसान हो गई थी। तो मैंने न्यूयॉर्क से कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एंड आई एम द ओनली डेफ पर्सन इन पाकिस्तान हु हैज डन
software engineering from New York City College of Technology. तो मैं जब पाकिस्तान आया था मैं फैक्ट्री में काम कर रहा था तो फिर मैंने सोचा था कि मैं पूरे डेफ लोगों के लिए हेल्प करना चाहता हूँ तो मैंने जो डेफ्टॉक का आइडिया बना लिया अब हम इस पर काम कर रहा हूँ। हमारा प्लान है हम एक साल में अगर हम 1,000 साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स को ट्रेन कर लेते हैं तो हम बआसानी 10,000 डेफ लोगों को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे और 10,000 मीन्स अगर हम एक बंदा 500 पर मंथ हमें देता है तो पर मंथ हमारे पास जो रेवेन्यू आ रहा होगा $5 million विच इज 50 लाख का हमारे पास रेवेन्यू आ रहा होगा उसमें हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है दैट्स अराउंड 40% हमारा प्रॉफिट मार्जिन है। व्हाट आर यू आस्किंग? वी आर आस्किंग 10 million क्योंकि इसमें एक ट्रेनर को एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर को प्रोड्यूस करने के लिए हमें 8,000 रुपए चाहिए जो कि 8 million यानी कि 80 लाख रुपए बन जाते हैं अगर हम 1,000 साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स को प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंडली हमें 22 million यानी कि 20 लाख रुपए हमें चाहिए होंगे मार्केटिंग गाइड के ताकि हम 10,000 लोगों को इसमें एंगेज कर सकें प्लस हमारी मोबाइल ऐप भी रेडी हो चुकी है ऑलमोस्ट उसका मार्केट वायबल प्रोडक्ट इज रेडी। इक्विटी कितनी आप देंगे? हम 10% इक्विटी इसमें ट्रेन कर आपका बिजनेस मॉडल इज बेस्ड ऑन लाइक सब्सक्रिप्शन और इज इट पर सेशन बेस्ड? इट्स मंथली सब्सक्रिप्शन मंथली सब्सक्रिप्शन व्हिच इज 500 पर मंथ। 8,000 जो ट्रेनर का आप कह रहे हैं टेक्स टू 8,000 टू ट्रेनर इसका थोड़ा बताते हैं कि क्या मतलब 8,000 क्या लगता है टू मेक क्योंकि एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्योंकि हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ये ट्रेनिंग कंडक्ट कर सकते हैं लेकिन जो रूरल एरिया से आते हैं जो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स बनना चाहते हैं क्योंकि हमने सर्वे पोल किया था तो हमारे पास रजिस्टर्ड हुए कि 660 लोग हैं जो हैं जिसमें आउट ऑफ 40 आर फ्रॉम रूरल एरिया। सेकेंडली गेट्स एक अदारा है GAAATES विच इज ग्लोबल अलायंस ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजीज एंड साइन लैंग्वेज सर्विसेज जिसकी एक इंटरप्रेटर की जो सर्टिफिकेशन कॉस्ट है दैट्स $50। आपको ट्रेनर्स कितने चाहिए टोटल? एक्सपेक्ट करें 1,000 साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स हम 1,000 आपको चाहिए टू रीच द टारगेट फॉर द नेक्स्ट ईयर। या इज दैट करेक्ट? यस। एंड हाउ लॉन्ग इज द सर्टिफिकेशन? इट्स अ 4-day सर्टिफिकेशन अगर उनको बेसिक साइन लैंग्वेज आती है तो 4 दिन अगर आती है अगर बेसिक आती है और अगर नहीं आती तो वो फिर 3 साल की है। जो आप काम करें बड़ा अच्छा काम करें बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वुड नॉट लाइक टू अर्न फ्रॉम दिस बट यू नो बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वी शुड यू नो हेल्प यू ग्रो योर कंपनी। दो चीज़ें आई वुड लाइक टू ऑफर यू। आई डोंट वॉन्ट एनी स्टेक इन द कंपनी। वन हमारी एक इन्वॉल्वमेंट है विद अ फ्यू हॉस्पिटल्स। मैं आपको उनसे इन टच करूँगा कि हाउ कैन यू वर्क विद देम दे डील विद थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स पर डे। सेकेंडली आई वुड take it to myself ke certain you know for certain months I will pay for the trainers that you get sure theek hai I'll take the cost but for an investment wo mujhe wo nahi sahi lagega ki ek social responsibility jo hamari hai uske liye main aapko invest karu aur main aapse pe paise earn karu usme I think it's really commendable. I want to applaud both of you ke despite your own disabilities stigma hota hai our society mein but you have come to the stage where you're pitching your idea so this is really really commendable. Thank you so much. What do you think of us? Yeah, so I mean you know already think kafi baat ho chuki hai but again this is a cause that is very close to my heart and I you know I have deep respect for you the stage that you're at and I would match Sherry R so I would absolutely go with starting off with 20 at least 20 interpreters mostly because I want to understand the use case better theek right so my commitment would be to match Sherry R as well as technology so if you're talking about AI ML that happens to be a little bit of my expertise as well Abbas ki badi expertise hai I'm happy to sort of both open network as well as technically help you overcome the challenge right? Thank you very much for being here. It is an honor to host people like this because it's very maine hamesha startups ko dikhaye hain lekin aap jo kar rahe ho wo they are setting a new benchmark
for millions of people watching you on TV right now. Thank you so much for inviting us, because it's our first time that we are representing disability community ko pehli dafa spectrum pe present kar rahe hain, and we always encourage disabled persons because they are very talented. And it's an honor to have hosted you and I've shared the stage with you. Merely honor ki baat hai. Thank you very very much. It was watching the afternoon. नाज़रीन, आपने आज का शो देखा है. टू एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टार्टअप्स, वन वेरी अर्ली स्टेज ट्राइंग टू डू समथिंग वेरी इनोवेटिव. दूसरा स्टार्टअप जो था वो एक जबरदस्त सोशल सर्विस क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उसका एक अच्छा बिजनेस मॉडल भी है, जिसमें हमारे एटलीस्ट दो से तीन बल्कि सारे पैनल ने कहा कि दे वुड लाइक टू बी इन्वॉल्व इन सम वे और द अदर, फाइंड न्यू वेज इन विच जो डिफरेंट वर्क फ्लोज है उनके वो समझ आ जाए उनको, तो उसके बाद उस बिजनेस को सपोर्ट भी किया जा सकता है. आपने हमारे एक सुपर हीरो की स्टोरी भी देखी. आपको आई एम श्योर ये शो अच्छा लगा होगा. कीप वॉचिंग स्प्राइट प्रेजेंट्स आइडिया करोड़ों का. पाकिस्तान जिंदाबाद.